मैं खा चला चला और बढ़ता गया टू माई चैनल। होप कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का मेरा लुक ये है, तो अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। एक्चुअली मैं जा रही हूँ, मैंने बोला ना कि फैमिली में शादी है, तो वहाँ पे आज खान का बुलावा है, तो मैं बस वहीं जा रही हूँ। जस्ट सुबह के बजे हैं 10:45। पहली बारिश, देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है भाई। अच्छा है, वैसे तो मैंने करके सारे दरवाजे बंद करके रखे हैं, क्योंकि पानी के जो बौछार आती है और मतलब बाहर का जो आवाज़ आती है ना, ऑन रोड घर है तो उसमें दिक्कत होती है। बट ओवरऑल पूरा मेरा सर पर फैले हुए हैं कपड़े, और मेरे घर में है शादी, तो आपको बहुत सारी साड़ी को दिखा देती। कुछ मैंने एक ये साड़ी खरीदी है, बाकी और भी अंदर रखी हैं, ये है तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं। फॉल मुझे मम्मी की सारी साड़ियों में फॉल पीको करवाना, तो मैं कुछ मैं टेलर को डालने गई थी, उनके यहाँ बहुत सारी भीड़ थी और मुझे इंस्टेंट एमरजेंसी मुझे तुरंत चाहिए, तो सोचा अपना काम खुद करो, किसी के सहारे नहीं। पड़ोस में ऐसे हमारे शॉप है, वहाँ पर तो बस प्रॉपर साड़ियाँ मैं आपको दिखाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि होता क्या है ना कि इसका लुक चला जाता है, ऐसा सब लड़कियों का मानना होता है। तो फिलहाल जो मैंने साड़ी ली, तो मैं आपको एक शो कर देती हूँ कि ये साड़ी है, जो कि बहुत सुंदर साड़ी है। फिलहाल ये मम्मी पहनने वाली है, और इन फ्यूचर मैं ऐसे पहनने वाली, एक ये साड़ी है और एक ये साड़ी है, और ये तो और भी साड़ियाँ मेरे पास जो मैंने ली है, वो वन बाई वन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं खा मखा चला चला और बढ़ता गया, और दिखा दी मतलब ये पैटर्न तो हाँ, तो ये हमारा ओल्ड क्लिप है। तो मैं आपको बता देती हूँ शॉप आपको कहाँ है हरदोई में, तो आप अगर जाएंगे सिनेमा रोड पे, तो आपको जो ओम जी जगदीश के जट सामने चांदनी चौक करके एक शॉप मिलेगी। ये नई शॉप रिसेंटली ओपन हुई है, और इसमें शायद 6 मंथ और 5 मंथ, और आपको न्यू वैरायटी की सारी साड़ियाँ मिल जाएंगी, और प्राइस भी मुझे अच्छे लगे। और ये डिस्काउंट करते हैं 20% इसके बाद अगर थोड़ा सा ऑफ करेंगे तो 25 तक ये कर लेते हैं। और आपको अगर न्यू लेटेस्ट साड़ियाँ चाहिए, तो इनके बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन, आप एक बार ज़रूर जाइए। अगर आप न्यूली मैरिड हैं या अपनी शादी के लिए लेना चाहती हैं, अगर आपकी शादी होने वाली है, या फिर आप अगर फिट हैं बिल्कुल, तो आप ले सकती हैं। मुझे बहुत सुंदर साड़ियाँ लगी थी, पर मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ उन चीज़ों के लिए, क्योंकि मैं थोड़ी सी हेल्दी हो गई हूँ, तो मेरे ऊपर था अच्छी नहीं लग रही। पर वो साड़ियों का कलेक्शन बहुत सुपर था, आप जाके ले सकते हैं, बहुत सुंदर था। जैसे कि आप कलेक्शन देख पा रहे, बहुत ही सुंदर कलर फुल की साड़ियाँ थी, सारे हमारे पेस्टल कलर थे, बहुत सुंदर साड़ियाँ थी, बहुत अच्छा कलेक्शन। एक बार जरूर विजिट करिएगा। काफ़ी बारिश हो रही है, हम लोग इस बारिश में जा रहे हैं, वो साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक साड़ियों में मैं लगा रही थी फॉल, बाकी उन साड़ियों में लग चुकी है। ये 3-4 साड़ियाँ पड़ी हैं, वो साड़ी पड़ी, उसमें फॉल लगाना था। ऊपर से नालियाँ साफ कर दी गई हैं, इतना गंदा आप देख सकते हैं, कितना गंदा पड़ा बस अब हाल है गड्डी का, और मौसम का हाल बहुत खुशनुमा है। तो हम लोग जा, ओए
फेंक दी बोतल, पता नहीं किसके थी। अच्छा मैं बैठूँ आगे? पीछे बैठो। अच्छा ओके, तो हम बैठेंगे पीछे। गाड़ी के टायर की हवा हो गई है कम, पता नहीं किसी ने निकाल दी। कह दो ना हमें आज तो, दे दो ना एक बात तो, छेड़ो ना जज्बात में खो लेना। हम लोग जा रहे हैं तो कहाँ जोगी देखेंगे, पहले पापा कार में हवा डलवा ले। लेकिन यार तो बेसन टाइप के लोग होते, उन्होंने ठेला लगा भी लिया था। देखो टिक्की बता, सिर्फ ठेला लगा ऐसे कौन किसी पीछे रूट करे लोग, उसमें ज्यादा काम करते हैं। हाँ ये बात भी है, सही। आप तभी तो कहते अपनी चीजों का ख्याल रखा करो, आप खुद इतनी शरारत करते रहते हो, अपनी चीजों का ख्याल नहीं रख पाते हो। अगर आप वहाँ देख लेते कार को कि किसने पत्थर मारा है, तो आप उसे बताते तो मैं उसकी कंप्लेन कर देती। आपने बताया तरीके का है कि मतलब बारिश के मौसम में ना कुछ चाट पकौड़े खाने का मन करे, और पर कहीं भी शॉप नहीं खुली। फिलहाल तो हमारा ये डेली का अड्डा हो गया है, हर हफ्ते में एक बार यहाँ आते हैं क्योंकि हमें अपनी कार के टायर की हवा चेक करानी होती है, क्योंकि कभी कभी ना घर पे रखे रखे इसका मतलब हाल खराब हो जाता है। तो बस इसीलिए हम लोग यहाँ आते हैं, और फिलहाल अभी तो कोई डिसाइड भी नहीं कि हम कहाँ जाने वाले हैं। और फिलहाल पहले गाड़ी की हवा चेक कराते हैं, इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे। कुछ भी खुला होगा, पहले तो शॉपिंग करनी है थोड़ी सी, ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी थोड़ी सा, और भी सामान लेना है जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी कि मैंने क्या क्या साड़ी ली है, तो वो मैंने बतानी तो वो एडिट कर दूंगी इसमें। और इसके बाद बाकी अभी कहाँ जाऊँगी वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ब्लॉग आज कल भी नहीं गया और आज भी पॉसिबल नहीं है कि मैं आज की डेट में भी डाल पाऊँ। तो कोशिश करूँगी आज रात के 10 बजे तक भी अगर हो जाएगा एडिटिंग तो मैं डाल दूँगी। तो इसके बाद हम लोग पहुँचे विशाल मेगा मार्ट, जहाँ पे हमें लगनी थी ग्रॉसरी, और यहाँ पे रात के करीब बज गए होंगे 8:30 हम लोग वहाँ पहुँचे और हम लोगों ने ग्रॉसरी की शॉपिंग की जमकर। और आजकल मतलब क्या होता है ना कि एक जगह स्टोर पे मिल जाता है सारा सामान, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती, तो मैं मोस्टली ग्रॉसरी लेने वहीं जाती हूँ। इजी तो बहुत इजी हो जाता है कि मतलब आपको एक जगह जब लेना है भर लिया आपने, फिर घर वापस आ गया। आजकल तो फ्लिपकार्ट भी ऑनलाइन देता, तो ज़्यादातर फ्लिपकार्ट से या फिर विशाल से ही लेती हूँ ग्रॉसरी। इससे क्या रहता है, बहुत आराम रहता है, क्योंकि बिजी लाइफ होती है हर इंसान की, बार बार जब शॉप पर जाके एक चीज़ लाना बार बार लाना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बस हम लोग गए शॉपिंग करने के लिए विशाल मेगा मार्ट, वहाँ से हमने की है शॉपिंग। कुछ अर्जुन ने अपने टॉय वगैरह खरीदे, स्लैम्स ली और पजल्स मैंने अर्जुन को दिलवाए, जैसे कि थोड़ा सा वो बिजी रहे। कुछ मैंने कपड़े भी देखे अर्जुन के डेली वेयर के लिए। और इसके बाद हम वापस अपने घर आ गए, रात के बज गए हैं 9 और अब हम लोग घर जाने वाले हैं। हर शॉपिंग के नाम पे मतलब पूरे बहुत ज़रा शॉपिंग कर ली, 8-10 जोड़ी से हमारे कपड़े अर्जुन के भूख लगी, तो डिनर की तैयारियां कर रहे थे। यहाँ पे बनाने वाली होम मेड नूडल्स और साथ में बनेगी पूरी सब्जी। और इस ब्लॉग को यही खत्म करेंगे, किसी और ब्लॉग में मिलेंगे।